अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काजिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काजिम के पेट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अभी जो है ना मैं बर्ड्स मार्केट जा रहा हूँ और वहाँ से फिर मैं देखता हूँ कि जो है क्या चीज़ लेनी है, क्योंकि हमारी वो जो ग्रे फिंच है मेल जो है वो मर गया था, वो देख लेंगे या उसके अलावा और अगर कोई चीज़ पसंद आई ना तो वो ले लेंगे। तो अभी जो है मैं रास्ते में हूँ, वहाँ पहुँचने वाला हूँ, तो फिर वहाँ जाके देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ जो है ना वो पसंद आती है। तो ये अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और ये मुझे जाना है यहाँ पे, ये बतख का बच्चा है, ये अभी छोटा है, पता नहीं कितने मंथ का है, सही पता नहीं है मुझे, तो मैं दिल खा है ये ले लूँ। तो ये भी मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या हिसाब है इसका, ये तो फिर उसके बाद ये ले लेते हैं हम। हाँ अच्छा, तो यार इसमें से अब हम अपनी वो फिंच के लिए जो है ना मेल लेने लगे हैं, तो पता कैसे चलेगा कौन सा मेल है इसका, ब्लैक थी ना ये नारे। अच्छा चलें ठीक है, डाल दें एक। तो ये भाई जी अभी हमें एक फिंच का मेल निकाल के दे रहे हैं, उसके बाद आगे हम जाएंगे और वहाँ पे जो है ना वो बतख का बच्चा जो देखे ना वो वाला भी लेते हैं जाके, एक दिन हम ये वाले भी लेंगे और ये कॉकटेल भी लेंगे किसी दिन, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना सिर्फ यही। तो ये फिंच का मेल जो है ये हमने ले लिया है और अब जाते हैं आगे। तो अभी मैं वापस आ गया हूँ ये डक लेने के लिए और अभी मैं भाई से कहूँगा कि वो जो है ना इसको निकाल देंगे मुझे, उसके बाद ये डक और हमारा वो जो मेल फिंच है लेके चलते हैं घर। यहाँ पे वैसे और भी काफ़ी, अंदर मैंने एक देखा है वो ग्रे कलर का पैरट भी है, बकरा के टक्कर ही ना मार दे, वो ग्रे कलर का पैरट पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या नाम है इसका, मुझे पता नहीं है, दिखाना। तो ये जी हमने ले लिया है डक का बच्चा। अच्छा ये खाता क्या है, ये पानी वगैरह रोटी खाता है। जो परिंदों को दाना देते हैं वो खा सकते हैं, बाजरा वगैरह, बाजरा वगैरह ठीक है। इसमें जो है ना वो है हमारा डक का बच्चा, ये डक का बच्चा इस इधर रख देते हैं और ये हमारी वो फिंच है। तो अभी इन दोनों को जो है ना लेके चलते हैं, बहुत शरारती सा है ये, वो उस पिंजरे में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, इसको मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ आराम से और घर जाके इसको खोलते हैं फटाफट। और अभी जो मैं जाने लगा हूँ घर वापस और जल्दी जल्दी जो है इनको खोलते हैं जाके। तो अभी सबसे पहले ये डक्की को यहाँ रख देते हैं और नीचे ना गिर जाना बड़ा शरारती है यार ये, इसको अभी यहाँ पे बंद रखते हैं, ये चलो खोल देते हैं, आ जाओ बाहर। ये देखें जी ये हमारा प्यारा सा डक्की है, आ जाओ, ये देखें जी। और ये जी मेल फिंच, इसको जो है सबसे पहले मैं खोल के ना अपनी वो जो हमारी ये फीमेल अकेली बेचारी घूम रही है, इन दोनों को जाना मैं इकट्ठे बंद कर देता हूँ। तो ये है जी हमारा मेल, इसे मैं पहले जल्दी जल्दी खोल देता हूँ। ये देखिए जी ये हमारा प्यारा सा मेल, डक्की किधर गया, तो ये और ये देखिए जी ये हमारी ये हैं जो आज चीज़ें लेके आए हैं। उड़ गी यार वो फिंच उड़ गई है, मैं इसको ऊपर जाके बैठी है यार, कहीं से यहाँ से निकल ही ना जाए, मैं ज़रा पहले ये जगह बंद कर दूँ सारी, उड़ ही ना जाए। ओए यार ये गई, लाइट्स मैंने जो है सारी बंद कर दी और ये वो ऊपर जो है ना बैठी हुई है, ये देखें ये लाइट मैंने बंद कर दी है, ये ट्यूब लाइट ये उड़ चुकी है, वो उधर बैठ गई है, मैं इसको ज़रा पकड़ने की कोशिश करता हूँ। पहले पिछली दफ़ा पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, मैं यहाँ पे मेरा वो फीमेल बच्ची जो है वो उड़ गई थी और अब जो है ये फिंच उड़ गया है यार, ये बहुत तेज़ है, इसने तो पकड़े ही नहीं जाना, और ये अगर वहाँ से निकल गई ना तो बस ये गई है फिर।
ये इसको पहले मैं ज़रा साइड पे कहीं रख दूँ, ये ना हो ये पाँव के नीचे आ जाए। इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। डक को जो है मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है और ये फिंच जो है ये ऊपर आई बैठी है, ये बैठी है। और अब मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, उड़ना मत। यार उड़ गई है। सही है सही है सही है, आप इधर चली गई, आप इसको नहीं उड़ने देना। इसके ऊपर मैं जल्दी से कपड़ा फेंक देता हूँ। ये किधर गई? यहाँ जो है ना नीचे चली गई है। जल्दी से मैं इसको ढूंढूं पहले। वो नीचे बैठी हुई है, पता नहीं। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये बैठी हुई है सामने, ये बैठी हुई है, ये बैठी है। और अभी मैं इसके ऊपर कपड़ा फेंकता हूँ ताकि ये पकड़ी जाए। तो फाइनली इसको मैंने दोबारा से पकड़ लिया। और इसको इससे पहले कि ये दोबारा उड़ जाए, इसको मैं अंदर इसके मेल के साथ छोड़ देता हूँ। चलो भाई अंदर तुम। चलो भाई, माशाल्लाह। ओए होए होए यार, बड़ी गर्मी लग रही है। इसको पकड़ पकड़ के जाना, लेकिन शुक्र है। ये देखें, ये सारे हमारे बजीज के पर। अभी ये मैंने फ़ैन ऑन किया तो ये किस तरह गोल गोल घूम रहे हैं। अच्छा तो ये हैं जी, ये न्यू वाली है ना, वो ये बैठी हुई है, ये नीचे जो बैठी हुई है। इसकी मैं लाइट बंद कर दूँ ऐसे। जो ये हमारा मेल है ना, उस ये ऊपर जो बैठा हुआ है, ये हमारा मेल है। क्योंकि इसकी जो सामने जिस्म है ना वो ब्लैक कलर का है, और जो ये नीचे बैठी हुई है वो हमारी, ये सामने जो बैठी हुई है ये हमारी फीमेल है। तो उम्मीद है कि अब ये अल्लाह करे ब्रीडिंग करें और फिर अंडे दें। और ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल जो है ना साथ साथ पीछे पीछे घूमने लग जाता। आ जाओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये देखा, ये देखे, ये मुझे लग रही है एंड टाइम तो नहीं है कहीं। प्यारा क्यूट सा है ये हमारा डक्की का बच्चा। डक है इसकी यार, इसका नाम मुझे नहीं। ओए डर गए। आ क्या हो गया। अच्छा इधर रख देते हैं इसको। ये देखें जी माशाल्लाह कितना क्यूट है। इधर आओ, इसको ये खिला के देखें। ओए किधर गिर रहा है, इसको ये खिला के देखते हैं कि ये बाजरा खाता है कि नहीं खाता। खा लो, ये लो, कोई नहीं खा रहा। ये लो खा लो, खा रहे खा रहे खा रहे। वेरी गुड। वैसे मैंने उससे पूछा था तो वो कह रहा था कि जो है रोटी खा लेता है, बाजरा खा लेता है, और इस तरह की कुछ भी चीज़ें वगैरह जो है ना आप इनको दें तो ये डक जो है ना ये इजीली खा लेती हैं। तो इसको अब मैं जो हूँ ऊपर ले जाता हूँ जहाँ पे मेरे दूसरे पेट्स जो हैं वो हैं, जहाँ चूज़े वगैरह हैं, और इसको ऊपर किसी एक केज में जो है ना बंद करते हैं। वैसे मुझे कंफर्म नहीं है कि ये जो है ना है क्या, मतलब मेल है कि फीमेल है। तो ज़रा थोड़ा बड़ा होएगा तो उसके बाद जो है फिर पता चलेगा कि ये क्या है। तो इसके लिए फिर हम इसका पार्टनर भी लेके आएंगे। अगर मेल हुआ तो इसके लिए फीमेल लेंगे, अगर फीमेल हुई है तो इसके लिए फिर जो है हम मेल लेके आएंगे। चलो भैया अब चलते हैं ऊपर। ये हमारे चूज़ों का बाजरा भी मैं लेके आया था, कल ख़त्म हुआ था। इसको जो है शॉपर में डाल देते हैं, साथ ऊपर ले जाते हैं। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, जल्दी जल्दी चलते हैं। और ये सारे आज फिर से बाहर निकले हुए हैं, इनको मैं जल्दी जल्दी जो है पहले खाना दे देता हूँ। इधर आओ इधर आओ, तुम यहाँ पे वेट करो, मैं पहले इनको खाना दे दूँ। ये लो जी, ये लो तुम लोग भी खाओ, सारे खाओ। ओए नीचे ना गिरना, पीछे रहो। ओए कुकू मारा था यार इसको। अच्छा इसने ऐसे आराम नहीं करना, इसको मैं इधर छोड़ देता हूँ। ओए यार गिर जाओगे, दूर रहो। ओए देखा गिर गया, चलो ठीक है। कभी इंसानों को मैंने यहीं पे खोल दिया है, बल्कि अभी जो है ना इस टाइम धूप कोई नहीं है, तो सारे के सारे जितने भी बर्ड्स हैं ना इन सारों को मैं खोल देता हूँ। और वो उससे डर रहे हैं, कोई मारना नहीं कोई इसे। चलो इनको मैं ये जल्दी से दे दूँ खाना।
लो जी। और ये देखें हमारा डक का बच्चा जो है वो भी खा रहा है, ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा है। और इनको भी मैं फटाफट खोल देता हूँ ताकि ये भी बाहर आके खाना खा लें। आज ज़रा बाज़ार चला गया था तो देर हो गई है इनको खाना देने में, सारे जाना काफ़ी भूखे लग रहे हैं मुझे, तो मैं इनको जल्दी जल्दी खोल देता हूँ। आ जाओ सारे बाहर। और इनको जो है यहीं में दे देता हूँ ये वाला खाना। देखा अच्छा, इनको जो है ना ये फीड बहुत पसंद है, ये मुर्गे जो मेरी हैं। हालांकि यहाँ पे अब इनको बाजरा दिया है लेकिन नहीं फीड डाली है, तो वो इन्होंने जो है ना जाके ज़रूर खानी है। ओए होए ये डोर इधर किधर से आ गई है, इसके परों परों में फंस गई थी, इसको मैं उठा के इधर फेंक देता हूँ। और ये माशाल्लाह हमारा बेबी डक जो है बिल्कुल इनमें जो है घुल मिल गया, कोई इसको शुक्र है मार नहीं रहा, ये आराम सुकून से यहाँ पे देख के कितना प्यारा लग रहा है, बैठ के दुम हिला रहा है। और बाकी सारे भी जो है अपना खाना खा रहे हैं। और अभी मैं देख लेता हूँ कि ये जो हमारी वाइट असील है ये यहाँ पे अंडा देती है, और ये देखें शुक्र है माशाल्लाह ठीक है, आज ख़राब नहीं हुआ, वरना रोज़ जो है ना इसकी इसके जो अंडा होता है उसके ऊपर क्रैक पड़ाता है। ओए ये तो भूल ही गए ब्रामास, ब्रामास को तो खोला ही नहीं है, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ, किधर गया, ठीक है सारे ठीक हैं शुक्र है। और ये अपने ब्रामास को जो है ना ये भी मैं जल्दी से खाना दे देता हूँ, ये लो खा लो खा लो, ये लो ये लो ये लो। और जब से इंसानों को मैंने कल और परसों जो वो मेडिसिन पिलाई थी ना पानी में डाल के, उसके बाद से शुक्र है कि जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इन सारों के चूज़े जो है ना इन सारों की काफ़ी बेहतर हेल्थ है, अब जो है ना वीक नहीं है, तकरीबन सारे के सारे जो है ना अच्छी हेल्थ में। तो ठीक है आज भी जो है ना वो थोड़ी सी उस बॉटल में बच गई थी वो दवाई, वो आज भी जो है ना मैं इनको पानी में डाल के पिला दूँगा। आज भी माशाल्लाह देखें मौसम कितना प्यारा है, सारे जो है यहाँ पे बादल आए हुए हैं, हवाएं जो हैं वो सही ज़बरदस्त किस्म की चल रही हैं और धूप कोई नहीं है। वैसे जो है गर्मी वगैरह तो है क्योंकि गर्मियाँ हैं, अब जून जो है वो शुरू होने वाला है तो गर्मी इतनी तो रहेगी, लेकिन उसकी निस्बत जो है आज जो है ना काफ़ी ठंडा मौसम है और हवा जो है ना ठंडी चल रही है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर मैं इधर जो हमारी अंडों पर बैठी हुई है मुर्गी उसको मैं देख लेता हूँ कि वो सही से बैठी है कि नहीं। हाँ जी जनाब साहब सुनाओ, कर रही हूँ इनकी वेट सही से कर रही है यार, शुक्र है। खाना वगैरह जो है इसका भी पड़ा हुआ है, पानी मैं चेंज कर दूँगा। और ये देखें ये माशाल्लाह से हमारा क्यूट सा डक बेबी डक यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये सुकून से माशाल्लाह हमारे सारे पेट्स जो हैं ये खा रहे हैं, अभी पानी में इनको रख दूंगा और इंशाल्लाह अब ये जो है ना इनकी तबीयत जो है ठीक रहेगी। उम्मीद करता हूँ हमारा जो आज बेबी डक है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो उसी बेबी डक के लिए इस वीडियो को कर दें लाइक प्लीज़, और चैनल को कर दें सब्सक्राइब।